उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों को लेकर जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा टर्मिनेशन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसमें बीते रोज 40 टर्मिनेशन लेटर कर्मचारियों को दिए गए हैं और आज भी 100 और कर्मचारियों के टर्मिनेशन लेटर जारी किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टर्मिनेशन की कार्यवाही में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन यह कार्यवाही आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि समिति के जांच रिपोर्ट में यह पुष्टि हो चुकी है कि टर्मिनेट किए जा रहे कर्मचारियों की नियुक्तियां अवैध रूप से हुई थी। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की जो रिपोर्ट आई है, समिति की रिपोर्ट आई है, उसमें आप सब जानते हैं कि बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो भी भर्तियाँ हुई हैं वो नियम विरुद्ध हुई हैं, चाहे एडवर्टाइजमेंट निकालने की बात हो, चाहे एग्ज़ाम लेने की बात हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की बात हो, और साथ ही साथ आर्टिकल 14 और 16 का भी पालन नहीं हुआ है, जो कहता है कि हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए जहाँ तक भर्ती का सवाल है। तो इस कारण से जब रिपोर्ट आई है उसके बाद हमारे टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ। थोड़ा समय लेता है क्योंकि उसमें कॉपीज़ बनानी पड़ती हैं और जगह जगह भेजनी पड़ती हैं। तो इसके तहत कल करीबन हम लोगों ने 40 टर्मिनेशन नोटिस सर्विस किए थे, जिसमें से शायद 35 लोगों ने उनको रिसीव कर लिया है। इसी तरह से आज भी हम कुछ 100 को देने वाले हैं और ये धीरे धीरे प्रोसेस एक दो दिन में समाप्त होगा।